हैं, वाइब्रेशन टेस्ट दे सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ये पंतनगर मेला में तक है, नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। भाइयों आज की वीडियो में आपको मैं कुबोटा 5501 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। इस ट्रैक्टर के बारे में ये सर हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी। अच्छा, मैं कंपनी की तरफ से हूँ, कुबोटा कंपनी में एज अ टेक्निकल मैनेजर मैं एक्टिविटी डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो आप इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं टेक्निकल डिटेल हमारे किसान भाइयों को, ये सब ट्रैक्टरों से खास क्यों है, और इसका वाइब्रेशन टेस्ट तो हमारे किसान भाइयों ने देखा, और इस ट्रैक्टर के बारे में बताएं टेक्निकल डिटेल। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में ही बताता हूँ, ट्रैक्टर की बात हम बाद में करते हैं। yes, पहले इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ से इस कंपनी को, मतलब इसका बर्थ स्थान क्या है। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है जी। तो ये है कंपनी, जापान बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत सन 1890 में ओसाका शहर में हुई थी जापान में। अच्छा जी। ठीक है जी। 130 साल पुरानी कंपनी है जी। अच्छा जी। और लगभग 140 देशों में काम कर रही है, 140 देशों में ट्रैक्टर बेच रही है। अच्छा जी। उसके बाद 140 देशों में ट्रैक्टर की मांग पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए 24 देशों में इस ट्रैक्टर का प्लांट है, 24 देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। अच्छा, 24 देशों में ये ट्रैक्टर बन भी रहा है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारत में ये 2008 से काम कर रही है। अच्छा जी। सबसे पहले हमने जो ट्रैक्टर दिए थे, हमने छोटे ट्रैक्टर दिए थे महाराष्ट्र वगैरह में। अच्छा जी। उस जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए, कस्टमर की डिमांड बढ़ी, उस चीज को देखते हुए कंपनी ने फिर उसके बाद हमने बड़े सेगमेंट में अपने ट्रैक्टर लॉन्च किए, जैसे MU सीरीज में आए हम। अच्छा। वहाँ पे हमने 45 और 55 ट्रैक्टर का अपना अच्छा। आपको मतलब गिफ्ट दिया है। अच्छा। उसके बाद बात कर लेते हैं आज के इस ट्रैक्टर के बारे में। ये तो बात हो गई कि आप कंपनी कहाँ से थी। अच्छा। ये जापान की कंपनी है। उसके बाद इस ट्रैक्टर में क्या खास है, क्या अलग है कि आप सब कंपनियों को छोड़ के इस ट्रैक्टर को लें, क्यों लें, उसके मैं कारण बताता हूँ आपको जी। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन की। जो किसी भी ट्रैक्टर का दिल होता है, जो सबसे खास चीज होती है किसी ट्रैक्टर की, वो होता है उसका इंजन। ठीक है। उसके बाद इंजन में क्या है जी, इस ट्रैक्टर में 4 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है जी। कुबोटा का खुद का अपना इंजन है, कुबोटा का खुद बनाया हुआ इंजन है। इस इंजन की खासियत ये है, सबसे पहला फीचर जो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है ECDIS। अभी तक सिर्फ आपने जितना सुना है वो इसके बारे में सुना है, DI डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है। ठीक है। हम आपको उससे एडवांस एक फीचर दे रहे हैं, ECDIS सिस्टम, इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। अच्छा। ठीक है जी। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है कि जब आपके पिस्टन के ऊपर जो नोजल लगी रहती है, लाइनर के मतलब उसमें से निकल के पिस्टन के ऊपर जब नोजल जाती है, तो वो एक एंगल के ऊपर लगी होती है, तिरछी लगी होती है। क्या होता है कि जितना भी डीजल स्प्रे होता है नोजल में से, इंजेक्टर नोजल में से पिस्टन के ऊपर, तो वो एक ही साइड के ऊपर ज़्यादा गिरता है। एक ही साइड के ऊपर ज़्यादा गिरने की वजह से क्या होता है, जिधर डीजल ज़्यादा गिरेगा उधर ब्लास्ट ज़्यादा होगा, जिधर ब्लास्ट ज़्यादा होगा उधर से आपका पिस्टन थोड़ा दब के चलेगा और उधर की साइड को ज़्यादा घिसाएगा, उधर की साइड जो ज़्यादा घिसेगी, उस वजह से आपके इंजन की मेंटेनेंस जल्दी आएगी, आपका जो डीजल होगा वो पूरा जलेगा नहीं, धुएं के रूप में बाहर चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस ट्रैक्टर में क्या है, जो नोजल है वो बिल्कुल सेंटर में, उस वजह से चारों तरफ एक जितना, एक जैसा जो डीजल है स्प्रे होता है पिस्टन के ऊपर, आपका लगभग 95% तक डीजल है वो जलता है और पावर के रूप में आपको वापस मिलता है। डीजल की खपत है जो आपकी हो रही होती है वो वेस्ट नहीं होती है धुएं के रूप में। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर एक ही साइड के ऊपर डीजल नहीं गिर रहा है, सेंटर में गिर रहा है, तो चारों तरफ से आपका पिस्टन है उसकी घिसावट भी एक जैसी होगी, समान होगी, किसी एक तरफ से ना घिस के आपकी इंजन की जिंदगी भी वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब इंजन जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। उसके बाद ये ट्रैक्टर है जो कम, सबसे कम इंडिया में, इंडियन ट्रैक्टर सेगमेंट में सबसे कम सीसी का इंजन है। अच्छा जी। 2434 सीसी का इंजन है। अब सवाल क्या होता है, कस्टमर्स का सवाल होता है कि यार इतनी कम सीसी है, ये तो पावर नहीं होगी इसमें। हाँ सर। मगर आपकी एक मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हॉर्स पावर का सीसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। मेरा 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी 2434 सीसी का है। अच्छा। मेरा 55 भी 2434 सीसी का है। हमारी हार्वेस्टर आती है 68 हॉर्स पावर की, वो भी 2434 सीसी की है। अच्छा जी। ठीक है जी। होता क्या है कि सीसी क्या होती है, सीसी होती है क्यूबिक कैपेसिटी। यस। एक इसकी ये है टेक्निकल नाम,
अगर सरल भाषा में बात करें कि आप कितने छोटे बर्तन में कितनी ज्यादा से ज्यादा हवा को दबा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपका बर्तन का सख्त होना, बर्तन का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए इस ट्रैक्टर में जो मटेरियल लगा हुआ है, जो पिस्टन लगा हुआ, जो लाइनर लगा हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, उस वजह से हम बहुत ज्यादा हवा को बहुत कम एरिया में दबाते हैं, और जब वो अपना स्ट्रोक कंप्लीट करता है, जब वो मतलब पावर वाला स्ट्रोक कंप्लीट होता है, तो वो बहुत कम, बहुत ज्यादा हवा बहुत कम जगह में दबने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर से पिस्टन को ऊपर को धकेलती है, उस वजह से आपका ट्रैक्टर दम नहीं तोड़ता, आपका ट्रैक्टर अच्छा परफॉर्म करता रहता है। अगर ट्रैक्टर दम नहीं तोड़ेगा, लोड नहीं मानेगा, तो अपनी जरूरत से ज्यादा ट्रैक्टर डीजल नहीं उठाएगा। बस यही है कि कम सीसी का इंजन बनाने के लिए आपको अपने ट्रैक्टर का जो इंजन का अंदर का मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ेगा। इस ट्रैक्टर में बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है, पिस्टन का भी और लाइनर का भी, इसलिए ये ट्रैक्टर कम सीसी का इंजन है, 2434 सीसी का। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे का फीचर क्या है। आगे का फीचर है जी फोर वाल्व, ठीक है जी। होता क्या है, 55 हॉर्स पावर का, 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर या 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कोई भी हम ट्रैक्टर चूज कर लेते हैं, तो उसकी जो तेल की सप्लाई है, फ्यूल लाइन है, वो सप्लाई तो कैलिब्रेशन पंप की इसी हिसाब से कर लेते हैं कि उसको तेल की सप्लाई 55 के हिसाब से इंजन को मिलती है, मगर उस डीजल को जलने के लिए, उस तेल को जलने के लिए पर्याप्त हवा भी जितनी चाहिए होती है उतनी नहीं मिल पाती जब ट्रैक्टर ओवरलोड होता है। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब आप नॉर्मली चलते हो पैदल तो हमें सांस सही आती है, थोड़ा तेज चलने लगते हैं तो सांस तेज हो जाती है, भागने लगते हैं तो हमारा मुंह भी खुल जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर को जो हवा की है जरूरत ज्यादा पड़ती है। वो सेम चीज इस ट्रैक्टर में भी है, जब इस ट्रैक्टर को आप ओवरलोड करेंगे तो इस ट्रैक्टर के डीजल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, उस वजह से इस ट्रैक्टर के हर पिस्टन के ऊपर चार चार वाल हैं, दो हवा लेने के, दो बाहर निकालने के, और अन्य ट्रैक्टरों में ये वाल सिर्फ दो होते हैं, एक हवा लेने का, एक बाहर निकालने का। इसलिए जब दूसरा कोई ट्रैक्टर होता है, जब ओवरलोड होता है, तो वो धुएं की लुम्बी नहीं छोड़ता, आपका डीजल है वो धुएं के रूप में ऊपर उड़ाता है, पूरा डीजल नहीं जलता है। इस ट्रैक्टर में जितना भी आपका डीजल रहेगा, ओवरलोड होने के बाद भी ट्रैक्टर पूरा उसको बर्न करेगा और पावर के रूप में आपको वापस देगा। यहाँ पे आपका क्या फायदा भाई साहब, आपकी जेब से निकला हुआ जो एक एक पैसा डीजल के ऊपर लगा हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आजकल डीजल भी बहुत महंगा हो रहा है, जो आजकल सबसे जरूरी चीज है किसान के लिए या किसी भी इंसान के लिए, वो डीजल है जी। ट्रैक्टर तो एक बार लेना है डीजल, उसमें डेली डालना है जी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे का फीचर क्या है। आगे का फीचर ये है, जो सिर्फ एकमात्र भारत में ऐसा ट्रैक्टर जिसमें ये फीचर है, वो है जी बैलेंसर शाफ्ट। इस ट्रैक्टर के क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड बैलेंसर शाफ्ट नाम का एक पार्ट लगा हुआ है, वो क्या करता है कि जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी भी कंपन धड़कन इंजन के अंदर पैदा होती है, उस इंजन को, वाइब्रेशन को बैलेंस करता है, उसको ख़त्म कर देता है, ताकि जो आपके इंजन के अंदर जो वियर एंड टीयर तोड़ फोड़ होनी थी, जो उसकी घिसावट होनी थी वो ना हो, उस वजह से आपके इंजन की जिंदगी भी लंबी रहती है, शोर शराबा कम होता है, ट्रैक्टर की तोड़ फोड़ बच जाती है, आपके ट्रैक्टर का बाहर का नट बोल्ट ढीला नहीं होता, शीट मेटल खराब नहीं होता, ऑपरेटर लंबे समय तक काम कर सकता है, वो जल्दी अकेगा थकेगा नहीं जब तक उसके पास वाइब्रेशन नहीं पहुंचे, ठीक है जी। उसके बाद आपको एक और खास फीचर बताता हूँ इस ट्रैक्टर का मैं। आप देख रहे होंगे कि इस ट्रैक्टर में जो पंप लगा हुआ है, कुछ मेरे भाई लोग नए नए जो देखते हैं इस ट्रैक्टर को पहली बार देखते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि भाई साहब इस ट्रैक्टर में रोटरी पंप तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी। रोटरी पंप की एक मैं सबसे आसान और साधारण आपको निशानी दे देता हूँ कि रोटरी पंप होता क्या है। जो रोटरी पंप होता है उसकी नोजल हमेशा पीछे को निकलती है। अच्छा जी। कभी भी ऊपर से नोजल आने वाला जो पंप रहेगा वो रोटरी नहीं होता, वो इनलाइन होता है। वो इनलाइन की कौन सी कैटेगरी में आता है डिपेंड वो करेगा। जैसे इसमें बिल्कुल हमने सादा गवर्नर पंप लगाया हुआ इनलाइन। अन्य ट्रैक्टर में कभी डीजल खत्म होता है तो डीजल खत्म होते ही उसके पंप में एयर चले जाती है, फ्यूल सप्लाई में लाइन में एयर आ जाती है। उस एयर को निकालने के लिए आपको यहाँ पे फीड पंप का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ही आप फीड पंप का प्रयोग करेंगे उसके अंदर जो प्लंजर है उसकी पॉलिश उतरनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे पॉलिश उतरेगी वैसे वैसे उसकी जिंदगी कम होती जाएगी। इस ट्रैक्टर में क्या है, आप डीजल कभी आपका खत्म हो जाता है, जहाँ पे डीजल खत्म हुआ है डीजल डालिए, इस वाल को लूज करना है, उसके बाद सेल्फ मारिए और आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। किसी प्रकार का एयर निकालने के लिए आपको कोई फीड पंप का प्रयोग नहीं करना है, कोई प्लंजर के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। जब आप प्लंजर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, उसकी पॉलिश नहीं उतरेगी, तो अपनी जिंदगी से पहले पंप खराब नहीं होगा, ठीक है जी। ये हो गई इंजन के साथ संबंधित जो बातें बताने वाली थी। उसके बाद एक और इसमें फीचर है, वो है बूस्ट कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है कि कभी आपका ट्रैक्टर ओवरलोड होता है,
कभी हम चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, ट्रॉली हमारे पीछे है ट्रैक्टर के, बहुत लोडेड ट्रॉली है, तो चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते ऐसा एक पोजीशन आता है कि जहाँ तो हमें एक्सीलेटर देना पड़ता है, जहाँ हमें गियर छोटा करना पड़ता है। बकरी नहीं चलानी भैंस, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि उस पोजीशन में आके ये ट्रैक्टर का ये वाला जो सेंसर है वो अपना काम स्टार्ट करता है, इसको बूस्ट कैपेसिटर बोलते हैं हम। उस जगह पे ये पंप से तेल की सप्लाई इंजन को अपने आप बढ़ा देता है, उस वजह से ना तो गियर छोटा करना पड़ता है आपको, ना एक्सीलेटर देना पड़ता, तो आपके क्लच गियर और इन सब चीजों की घिसावट जो बच जाती है। जब आप नॉर्मल पोजीशन पे जाते हो तो तुरंत ये अपना काम करना बंद कर देता है, आपका ट्रैक्टर नॉर्मल पोजीशन पे तेल की सप्लाई को ले आता है, उस वजह से आपका ये काम भी हो जाता है कि आपको बार बार गियर वगैरह शिफ्ट करने की जरूरत इस ट्रैक्टर में नहीं पड़ती। ठीक है जी, ये हो गई इंजन की बात है। उसके बाद आप बात करते हैं पावर स्टीयरिंग की। आप अन्य ट्रैक्टरों में भी पावर स्टीयरिंग देखते होंगे सर, अन्य ट्रैक्टरों में पावर स्टीयरिंग क्या मिलता है? मोस्टली 85% कंपनियों के 85% मॉडलों में एक तरफ सिलेंडर रहता है, दूसरी तरफ नीचे से लोहे की रॉड जाती है और दूसरे पहिए के साथ लगी होती है। क्यों भाई साहब, आप पूरा अगर पैसा दे रहे हो पावर स्टीयरिंग का तो आपको अधूरी यूनिट क्यों मिलती है? ठीक है, हम आपको दोनों तरफ सिलेंडर दे रहे हैं। बहुत इसका फायदा क्या है, बहुत ज़्यादा टर्निंग मिलेगी, बहुत स्मूथ टर्निंग मिलेगी और किसी प्रकार का इंजन के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा और जितना भी प्रेशर है दो जगह पे बटने की वजह से पाइपों में से लीकेज होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे इस ट्रैक्टर में। ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे सर, ये हो गया हमारा इंजन कवर। ठीक है, इसको हम नीचे कर देते हैं सर। सर फिल्टर के बारे में बता देते हैं, फिल्टर हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं डेली देख रेख करने की हैं। अन्य ट्रैक्टरों में क्या है, बैटरी कहीं और होती है, एयर क्लीनर कहीं और होता है, कूलेंट लेवल का डिब्बा कहीं और लगा होता है। इस कंपनी ने क्या किया है कि सब की सब चीज़ें एक जगह के इकट्ठी कर दी है कि आप अगर एक चीज़ को चेक करें तो आपकी निगाह हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक ही टाइम पे पड़ जाए। हम क्या करते हैं, एक चीज़ तो चेक कर लेते हैं, दूसरी चीज़ों को छोड़ देते हैं, कल में हम उसको टालते हुए अपना नुकसान कर लेते हैं। तो उस चीज़ को दूर करते करते इस कंपनी ने सब चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद बैटरी की बात कर लेते हैं सर। आप देख रहे होंगे कि इसकी छोटी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, छोटी बैटरी होने का कारण क्या है कि इस ट्रैक्टर की जो स्टार्टिंग है बहुत छोटी बैटरी लगी हुई है। बैटरी ये भी उतना ही टाइम चलेगी जितना दूसरा चलती है। उसके बाद क्या है कि इसने भी इसकी बैटरी लाइफ की भी जिंदगी मतलब जो लाइफ है उतनी ही है जितनी बड़े की है। तो जब वो बड़ी बैटरी आप रखते हो 12,000 की 10-12,000 की, ये जब बैटरी चेंज होगी तो ये 5,000 से 6,000 में चेंज हो जाएगी। आपका यहाँ पे भी कंपनी ने खर्च बचाने की कोशिश की है, आपका खर्च कम करने की कोशिश की है। ठीक है, ये कूलेंट है, ये कूलेंट लेवल है। अच्छा जी, ठीक है सर। अल्टरनेटर के बारे में बताइए, बहुत छोटा लग रहा है मुझे। ये अल्टरनेटर है जो ऑटोलैक कंपनी का, बहुत बढ़िया है, बहुत फास्ट चार्जिंग करता है, फास्ट चार्जिंग देता है, बहुत बढ़िया देता है। ठीक है जी सर, ये क्या चीज है? ये सर इसका EGR लगा हुआ, नए ट्रैक्टर में जो होता है वो टर्बो लगा होता है, टर्बो की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है और उसको इंटरकूलर की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, उसको ठंडा करना पड़ता है तब वो अपना काम करता है। हाँ, इसमें EGR लगा हुआ है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन इसका पार्ट का नाम है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पहले से गैसों को लेता है अपने अंदर और ठंडा करके तुरंत इंजन को दोबारा से भेजता है, उस वजह से इसका जो काम है दुगना फास्ट हो जाता है बजाय टर्बो चार्जर के। ठीक है, उसके बाद लटके हुए पैडल मिलेंगे आपको इस ट्रैक्टर में, क्लच और ब्रेक के। अच्छा, इसको भी आप दबा के देखिए, दूसरा कोई ट्रैक्टर है उसका भी एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ट्रैक्टर का क्लच और ब्रेक दबाना आसान है। इसमें जो ऑपरेटर रहेगा, जो ड्राइवर रहेगा, उसकी ताकत, जो पैर वाली ताकत है वो बिल्कुल कम लगेगी, उस वजह से उसकी कार्यशैली बढ़ जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो लंबे समय तक काम कर सकता है बिना थके। सर मुझे इसमें काफी अच्छा लगा स्पेस, सबसे अच्छा लगा स्पेस, क्योंकि कम्फर्ट की दिक्कत ज्यादा होती है, कई बार देखा है कोई दुर्घटना हो जाती है और ड्राइवर की जान चली जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सबसे मुझे खास लगा इसका स्पेस काफी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत खुला डुला प्लेटफॉर्म दे रही है कंपनी, किसी तरीके का कोई बैठने और उतरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, काफी खुला डुला प्लेटफॉर्म है। सर इसके आप मीटर के बारे में बताइए, ऊपर आ जाइए। इस ट्रैक्टर में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है, ये सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ये है सर ऑयल का। अच्छा जी, है ना, आप डीजल का देखेंगे, उसके बाद ये आपका RPM मीटर आ गया। यहाँ पे आप अपनी RPM डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी RPM पे चलना है। ये आपका टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर का गेज आ गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे आपको दो तरह के साइन और मिलेंगे, ऑयल का और बैटरी का। ठीक है जी, मैक्सिमम ट्रैक्टर कितने RPM पे चलता है? मैक्सिमम सर आप अगर रोड की बात करेंगे तो हम इसको 2700 RPM तक यूज कर सकते हैं, अगर खेत की बात करेंगे तो खेत में इसको आप 2500 RPM तक यूज कर सकते हैं। इसमें जो गियर बॉक्स आएगा सर वो आता है सैंक्रोमेश गियर बॉक्स। अच्छा, कितना गियर मिलता है? सैंक्रोमेश गियर बॉक्स में आता है जी हाई और लो के साथ, इसमें आपको मिलेंगे 4 गियर, 8 गियर ये हो गए और 4 रिवर्स में मिलेंगे, बैक में भी आपको स्ट्रक्चर में 4 गियर मिलते हैं। अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर। PTO के बारे में बताएं, PTO में क्या है, आप अन्य ट्रैक्टर में
डबल क्लच ट्रैक्टर मांगते हो। डबल क्लच के नाम पे क्या मिलता है कि एक ही पांव के अंदर दो क्लच होते हैं, आधा दबा दिया तो आगे पीछे का गियर लगे, पूरा दबा दिया तो पीटीओ का गियर लगे। ना तो अपने घुटने में कोई मीटर होता है, ना ट्रैक्टर पे कोई मीटर होता है जो आपको बता रहा होगा कि आधा क्लच दब गया। हाँ जी, उस वजह से दोनों सूरतों में किसान का ही नुकसान होता है। उस वजह से इस ट्रैक्टर में जो ये पीले कलर का लीवर दिख रहा है आपको, ये पीटीओ का क्लच है। इसको आगे करेंगे पीटीओ चल पड़ेगी, पीछे कर देंगे पीटीओ बंद हो जाएगी। पैर वाले क्लच का संबंध सिर्फ आगे पीछे गियर के साथ है, पीटीओ के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। उस वजह से इसके क्लच प्लेटों की जिंदगी भी काफी लंबी हो जाती है। उसके बाद जो गियर बॉक्स की एक चीज और भूल गया था मैं बतानी आपको, सबसे खास चीज ये है कि आप इस ट्रैक्टर को किसी भी स्पीड में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में ला सकते हो बिना तोड़फोड़ बिना आवाज। आप अन्य ट्रैक्टर को बड़े गियर से छोटे गियर में तब तक नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी। अच्छा, ठीक है जी। सर लिफ्ट के बारे में बताइए। लिफ्ट जी, ये लिफ्ट है जी, ADD सिस्टम है इसका, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी की लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है, मिंटा कंपनी की लिफ्ट लगी हुई है। काफी अच्छी सेंसिंग है इस ट्रैक्टर में, ठीक है। ये आपका पोजिशन लीवर है, पोजीशन कंट्रोल लीवर, और ये वाला आपका ड्राफ्ट है, डीसी लीवर है, ठीक है जी। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको। सर ये इसका डिफरेंशियल लॉक आ गया। जी जी, ये डिफरेंशियल लॉक आ गया, और इसके अंदर आपको लगभग 22 क्विंटल की लिफ्ट क्षमता मिल जाती है। सर आप पिछला ऐसा दिखाया ट्रैक्टर का एक मिनट। सर टायर के बारे में बताइए। टायर सर इसमें आपको 16 का टायर मिलेगा, 16 के ले सकते हैं किसान। 14 के सर कंपनी से नहीं आ रहे हैं, बाकी वो अपनी जरूरत के हिसाब से खुद चाहे तो उसको चेंज कर सकता है क्योंकि रिम साइज सेम है। ठीक है जी। सर पिछला ऐसा ट्रैक्टर का बताइए कौन सा। पिछला ऐसा इसमें प्लेंट्री आता है जी, ठीक है। अच्छा। रिडक्शन जो है इसकी प्लेंट्री है, एक्सेल है जो इसका तीन गियरों के अंदर घूमता है, उस वजह से जितना भी झटका उसको लगता है। अच्छा। वो पूरा का पूरा जो एक्सेल है वो तीन गियर झेल लेते हैं, उस वजह से जो एक्सेल की भी जिंदगी है वो काफी लंबी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो पीटीओ मिलेगी सर इसमें, ये ट्रैक्टर दो तरह की पीटीओ के साथ आता है, रिवर्स प्लस फॉरवर्ड 540, फॉरवर्ड 540 प्लस इकोनॉमिक पीटीओ जो 750 चक्कर होता है। अच्छा। तो आप ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी पीटीओ वाला ट्रैक्टर खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। सर रीपर पे कितने आरपीएम में ट्रैक्टर चलाना चाहिए ये बताएं किसान भाइयों के लिए। रीपर में आरपीएम जो नॉर्मली रहता है सर, इसका जो 540 चक्कर बनते हैं वो बनते हैं 2300 आरपीएम। अच्छा जी। आप अपने काम के हिसाब से जिस आरपीएम पे आपका काम सही से हो रहा है उस आरपीएम पे आप इस ट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ये ट्रैक्टर 2000 आरपीएम पे अच्छा काम करता है जी, ठीक है। सर रूटावेटर पे चलाएं तो कितने आरपीएम पे चलाएं। 1900-2000 आरपीएम पे बढ़िया काम करेगा। जो गियर रहेगा, जो नॉर्मली गियर रहता है वो L1 और L2 ही रहता है, बाकी किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपना चूज कर सकता है जी। और जो कल्टीवेशन का गियर रहेगा कल्टीवेटर पे हैरो पे वो H1 और L4 रहता है जी, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसको भी चूज कर सकते हैं। सर ये क्या चीज है डबल। ये सर इसका तीन होल दिए हुए हैं। हाँ। टॉप लिंक के 3 पॉइंट लिंकेज के, ठीक है जी। सबसे पहले में आपका जो है बिल्कुल जीरो सेंसिंग है, ठीक है जी। यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे फुल सेंसिंग होता है। अच्छा। हमारा कल्टीवेटर वगैरह जो नीचे वाले होल पे चलते हैं, जहाँ पे हम सीड ड्रिल वगैरह चलानी है, जहाँ पे हल्की हमें सेंसिंग चाहिए होती है, तो यहाँ पे अगर हमने रोटावेटर वगैरह यूज करना तो सबसे ऊपर करेंगे, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी सेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सर अब सर्विस के बारे में बताइए। सर्विस में सर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो हो गए ट्रैक्टर के फीचर। अच्छा। अब कंपनी की तरफ से आपको वारंटी के नाम पे क्या मिलता है। हाँ जी, वारंटी के बारे में बताइए सर। कंपनी आपको जो वारंटी के नाम पे सबसे पहले आपको ट्रैक्टर के ऊपर ही लगा हुआ लोगो मिल जाएगा। 5 साल की वारंटी। 5 साल की वारंटी के साथ ये ट्रैक्टर आता है, ठीक है जी। वारंटी किस किस चीज की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अन्य ट्रैक्टर जहाँ अन्य कंपनीज वो वारंटी देती है, वो देती है इंजन गेयरबॉक्स हाइड्रोलिक 1 साल 2 साल 5 साल 6 साल, वो अलग अलग पॉलिसी हर कंपनी की, मगर हम आपको जो वारंटी दे रहे हैं वो 5 साल 5000 घंटे के लिए इंजन गियरबॉक्स हाइड्रोलिक रेयर एक्सल फ्रंट एक्सल ब्रेक डिफरेंशियल क्रोन पिनियन। अच्छा, ठीक है जी। इन चीजों की कंपनी वारंटी क्लेम करती है आपकी 5 साल 5000 घंटे के लिए। सर्विस कॉस्ट बहुत कम है इस ट्रैक्टर का, अन्य ट्रैक्टरों से मात्र ज्यादा नहीं है, तो 20-25% इस ट्रैक्टर का सर्विस कॉस्ट भी कम होगा। अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण किसी किसान का रहता है कि भाई साहब ये डीजल कितना खाता है। हाँ जी, डीजल का सवाल बहुत रहता है सर। तो सबसे जरूरी किसी किसान की जो आज की डेट में आज की जरूरत है वो है डीजल। तो भाई साहब आप अन्य ट्रैक्टर जो भी सबसे कम तेल खाने वाला आपको 55 हॉर्स पावर का आपके दिमाग में हो, जिस लोड पे आप उस ट्रैक्टर को यूज करेंगे सेम लोड पे इस ट्रैक्टर को चलाइएगा, उस ट्रैक्टर से लगभग 15-20% ये ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा। इस चीज का बिल्कुल हमारा दावा है जी, 15-20% कम डीजल खाएगा ये हर काम के ऊपर। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई ट्रैक्टर 5 लीटर डीजल दे रहा होगा तो उस जगह पे ये ट्रैक्टर 4 लीटर में वो अपना काम करके देगा। सर स्पेयर पार्ट के बारे में बताइए। स्पेयर पार्ट सर इस कंपनी की एक पॉलिसी है, इस कंपनी की एक
शर्त कह लो, चाहे पॉलिसी कह लो, चाहे काम करने का तरीका बोल लो, कि एक कंपनी सबसे पहले अपने डीलर को स्पेयर पार्ट मुहैया करती है। अच्छा जी। पहले हम स्पेयर पार्ट देते हैं, अच्छा, उसके बाद हम डीलर को अपना ट्रैक्टर देते हैं बेचने के लिए, ताकि जो हमारे किसी कस्टमर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है जी। तो सर्विस वगैरह में काफ़ी एक्टिव है डीलर्स भी और कंपनी भी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी पर नहीं आएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कोटा के बारे में, और किसान भाइयों का बहुत मतलब कमेंट था कि मतलब कि आप कोटा का रिव्यू करें 5501 का, बहुत भाई कोटा के दीवाने हैं। जी जी। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से हम भी अपनी जानकारी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, बहुत ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए हो, जहाँ ट्रैक्टर लेने का विचार चल रहा हो, तो आप इस जो अभी आज आप देख रहे हैं मेले में, तो ये जो लगी हुई है हमारी स्टॉल लगी हुई है, कांशीपुर चेती चौराहे की तरफ से जो है हमारा किसान फर्टिलाइजर एजेंसी की तरफ से लगा हुआ है। अगर किसी को भी कुछ जानकारी ज़्यादा चाहिए हो, अगर फ़ोन के माध्यम से भी जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 7500880088। इस नंबर पे आप कॉल करके इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या कभी भी लेने का विचार हो तो आप बता सकते हैं जी। बस इतना ही आप जानकारी देना था आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।